आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये जोन्ड आउट हो चुकी है बिल्कुल, कि दिवाली की वीडियो अब डाल रही है। मुझे पता है कि मैं कम से कम 15 दिन के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि मैं एक महीने से पहले से ही बोलती आ रही हूँ मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो परसों ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे और 2 तारीख से स्टार्ट हुए थे। दिवाली वाला व्लॉग भी मैंने ऐसे छुटपुट छुटपुट बना दिया था, मतलब उसमें भी मम्मी तो मुझे बोल रही थी कि कुछ खास नहीं बनाया तूने व्लॉग। ये मेरी क्रिटिसाइजर भी है ना, बहुत बड़ी क्रिटिसाइजर बार पहले ऐसा नहीं बनाया। हाँ, तो मतलब जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाई थी मैंने कोशिश करी कि वो भाई दूज और ये सब वाला मिक्स करके मैं डाल दूँ, बट मम्मी को पसंद नहीं आया। बट फिर भी मैंने डाल दिया था वो वाला, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं प्रॉपर ये जो लिविंग रूम टूर वाला वीडियो है इसको मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं। और एडिटिंग में आपको पता ही है कम से कम 2 घंटे तो लगते ही अच्छे से अगर एडिट करने बैठो। हाँ, पेपर थे तो मेरे पास उस टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं एडिट कर पाऊँ उसको। मैंने शॉर्ट्स तो ऑलरेडी ले ही रखे थे, वो दिवाली वाले दिन ही मैंने सारे ले लिए थे। फिर मेरे को था कि मैं एडिटिंग चलो बाद में कर लूंगी, एग्जाम्स के बीच में भी तो मुझे बोल रही थी अरे एडिट करके डाल दे, लोग सोचेंगे कब डालेगी दिवाली का कब डालेगी। बट मेरे को एग्जाम्स मेरी प्रायोरिटी थी तो मैंने उसको प्रायर रखा। उसके बाद क्या है, उस टाइम पे तो बहुत लोगों का देख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, मैंने हमारा देखो बट वो था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे लोग डालते हैं ना कि आपको दिवाली रूम से कुछ आइडिया वगैरह देना है, ऐसे आइडिया के बेस्ड वाली वीडियो नहीं है। अलग अलग होता है आइडिया कैसे ले सकता है। आइडिया बेस्ड वीडियो नहीं थी मेरी, मेरे को बस ये था कि हाँ दिवाली में हमारा घर ऐसा दिख रहा था तो आप ऐसा देख लो बस। सो बस मैंने वही कोशिश करी है बनाने की कि आपको अच्छा लगा होगा। सो बताना आप कैसे लगा। एंड स्पेशल मेंशन टू आंटी जिन्होंने हमारे सोफा कवर्स बनाए थे, वो जो व्हाइट कलर वाले सोफा कवर्स जो हमने बिछाए हुए थे ना दिवाली पे। अब तो पूरा सेटअप हमने हटा दिया, बस ये कलरफुल वाले कुशन्स रह गए हैं अभी फिलहाल के लिए, गंदे कवर नहीं है इसलिए रह गए। हाँ, बाकी हमने सब कुछ हटा दिया है। तो वो जो व्हाइट कलर वाला सोफा कवर था वो क्रोशिए का, वो क्रोशिए से हैंड निटेड है, पूरा का पूरा हैंड निटेड है। बना रखा है, बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर बनाया। उसे बिछाने से पूरे लिविंग रूम की ना एकदम अलग से ही मतलब सुंदर लगने लगा था, अलग से बहुत प्यारा बना रखा है। सो आंटी बहुत मेहनत से ही बनाया अभी। हाँ, और वो बहुत दूर से आया, कहां से जॉब भी करती है तब भी जाकर प्रयागराज से। हाँ, उन्होंने वहां से बना के भेजा है वो, और बहुत ही हार्ड वर्किंग है तभी बना के दिया। और इतने प्यार से, हाँ ममता नाम है उनका, उन्होंने इतने प्यार से बना के भेजा है तो वही हमारे लिए बहुत है। तो आंटी अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। फिर और क्या बोलना है इतने दिन बाद आओगे तो सोच सोच के बोलना पड़ेगा और क्या बोलना है। हाँ, क्योंकि मैंने ना पता ये वीडियो में देखो इससे पहले वाला जो घर का लिविंग रूम वाला जो पूरा मैंने आपको दिखाया ना वो तो मैं डाल सकती थी ऐसी, मैं ऐसे ऐसा छोटा मोटा कुछ भी करके डाल सकती थी। हाँ। बट मुझे ये था कि मैं प्रॉपर सिट एंड टॉक भी करूं। हाँ। कि जिसमें मैं आपको बता सकूं, फिर आंटी को भी क्रेडिट्स देने थे, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। उन्होंने इतने टाइम से हमें बहुत पहले से बना के भेज रखा है वो, हमने हमने डिसाइड किया था कि हम उसे दिवाली में बिछाएंगे। सो मेरे को था कि मैं अच्छे से आपको बताऊं कि इन्होंने बनाया है ऐसे वैसे है, सो इस वजह से वो डिले होता गया। पर कोई बात नहीं, आप अब देख लो मेरी वीडियो। और बहुत लोग शायद मतलब बहुत लोग तो वैसे देखते भी नहीं है पर जिसे भी है पर ये कमेंट मत करना कि दिवाली कितने टाइम पहले थी अब आप डाल रहे हो। तो मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मुझे पता है कि दिवाली को ऑलरेडी 15 डेज हो चुके हैं, बट मैं अब डाल रही हूँ, मेरे रीजन वॉज एग्जाम्स। सो अब होपफुली अब मैं अपने ब्लॉग्स पहले जैसे बनाऊँ और आप सबके सामने लेकर आऊँ उनको, जो भी है जो भी जैसा जैसा है। सो आई होप आपको लिविंग रूम अच्छा लगा होगा। दिवाली पे ऐसा लग रहा था हमारा घर सुंदर लग रहा था, वैसे तो कुछ ज़्यादा किया नहीं था लास्ट टाइम और इस टाइम से सिमिलर ही था, बट बस वही चीज़ें अलाइनमेंट और ये सब चेंज करके हमने किया था। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक से पता लगता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है ना। लाइक करते ही लाइक नहीं करते देख लेते हो, लाइक नहीं गए एक लाइक थम्सअप भी तो दबाना है और क्या करना है ना। सो बस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, अब मैं बोल सकती हूँ जल्दी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। तुम मेरे वीडियो खराब कराओगी क्या यार? बिहाइंड द सीन्स में डल जाएंगे। वी आर ट्राइंग हियर टू मेक वीडियो सीरियस वीडियो एंड शी इज लाफिंग। इतने दिनों बाद आए गए, कहीं सोचते होंगे कहाँ गए हो।